हमीरपुर जिला के टौनी देवी क्षेत्र में ऊहल चंद्रडू रोड पर सुराग के पास सुबह 9 बजे के करीब दर्दनाक हादसा पेश आया है। जानकारी के मुताबिक ट्राली पलटने से इसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 10 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर होने पर टौनी देवी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया है। ट्रैक्टर ट्राली में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोग घायल हुए हैं और 2 को हल्की चोटें पहुंची हैं, जबकि 10 लोगों का उपचार चल रहा है, इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को फौरी तौर पर 10,000 रुपए की राहत राशि भी दी है। जानकारी के अनुसार ये प्रवासी लेबर किसी काम के लिए सुबह कार्यस्थल पर ले जाई जा रही थी, लेकिन 9 बजे के करीब हादसा पेश आया और उसके बाद मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल मौके पर पहुंच गए हैं और यहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए टौनी देवी सिविल अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर गंभीर रूप से घायल मरीजों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए भी रेफर किया गया है। उक्त मजदूर हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन में काम करते थे और सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। स्थानीय निवासी रविंदर डोगरा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 3 प्रवासी मजदूर मौके पर ही मौत हो गई है और बाकियों को टौनी देवी अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने मांग की है कि प्रवासी मजदूरों को सरकार उचित मदद करे। मजदूरों से भरी हुई एक ट्रॉली है जो आज सुबह पहुंच पंचायत के अंतर्गत निचला सुराह में, जो कि हमीरपुर जिले की बमसन तहसील में पड़ता है, गिर गई है, जिसके अंदर तकरीबन 14-15 मजदूर सवार थे, जिस पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई मौके पर पहुंच के अच्छे तरीके से कर दी है और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी मजदूरों को जल्दी से जल्दी टौनी देवी अस्पताल पहुँचाया है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये मजदूर जो हैं सारे पश्चिम बंगाल के मालदा से हैं, तो संबंधित सरकार को इस बारे में सूचित करके मजदूरों को उचित मुआवजा देने की कृपा की जाए। घायल मजदूर ने बताया कि सुबह के समय मजदूर काम पर जा रहे थे कि अचानक आगे से वाहन आने से ट्रैक्टर चालक ने ब्रेक लगाने से ट्राली पलट गई और फिर कुछ पता नहीं चला है। क्या नाम है आपका? मतीर रोहन। कहाँ काम करते थे आप? पहुँच में टावर पे काम कर रहे थे। कितने आदमी काम करते हैं वहाँ पे? वहाँ 20 आदमी थे, 17 आदमी ट्रक में घूम रहे थे। तो क्या हुआ था वहाँ पे? वो पे क्या हुआ था, वहाँ से ट्रैक्टर में आ रहा था, एक ट्रैकिंग में उधर से आ गया लॉरी, लॉरी आके खड़े कर दिया, ये आके जाके नार में थोड़ा। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि टौनी देवी के समीप हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को हमीरपुर रेफर किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम के लिए पूर्व मृतकों को कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। वहीं हादसे के कारण अस्पताल में भीड़ के मद्देनजर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायत भी दी गई है। ये बहुत ही दुखद है और ये बहुत ही दुखद घटना है जो यहाँ पे टाउन विलेज क्षेत्र में हुई। एक जो अकस्मात जो एक्सीडेंट हुआ और उसमें कुछ लोगों का जो है वो जीवन भी चला गया है, जो कि हमें रिपोर्ट आई है से 3 लोगों की जो है वो मौके पर मृत्यु हो चुकी थी। बाकी घायलों को यहाँ लाया जा रहा है। 3 घायल जो सभी मैं देख के आया हूँ एमरजेंसी में, तो वो पहुँच गए हैं, उनको डॉक्टर देख रहे हैं। उनमें से एक सीरियस है जिसको हड्डी दी है, वो शायद हमें आज भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें ब्रेन इंजरी लग रही है। और बाकी 2 जो है वो पहुँचने वाले हैं। हमारी टीम यहाँ तैयार है, स्टाफ जो है डॉक्टर की नर्स की लगातार हमें भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो जिनको रेफ़र करना हो उसके लिए फिर हम जल्दी ही रेफ़र कर रहे हैं ताकि इसमें भी डिले ना हो, ताकि इनकी ट्रीटमेंट भी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में शुरू हो। सर कोविड को लेकर किस तरह से? कोविड का ऐसा है जैसे ऐसे एक्सीडेंट है उसमें और भी खतरा बढ़ जाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, डर होता है, डर का माहौल होता है और लोग जो है वो डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कई बार और तरह की जो है वो चीज़ें गलत काम कर देते हैं। तो हमने तो सिक्योरिटी वालों को बोला है, लेकिन फिर भी भीड़ हो रही है, तो अब मैं अभी जा गया भीड़ को कम करने के लिए कहा है कि भीड़ कम से कम हो, जो ज़रूरी लोग हों स्टाफ हों उन्हीं को अंदर जाने दिया जाए और ताकि पेशेंट का केयर भी ठीक ढंग से हो सके और जो कोविड का इन्फेक्शन है उससे भी बचा जा सके। नहीं तो इन हादसों में इस तरह का जो इन्फेक्शन है स्प्रेड होने के चांस और ज़्यादा रहे कोविड का, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए जो डेथ हुई है, एक्सीडेंट में कोई अगर डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम भी होता है, तो वो तो बॉडीज आएंगी
उनका तो होगा, क्योंकि पेशेंट में तो अगर सिम्टम हो गए तभी करेंगे, अदरवाइज उनको तो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।